ढोकला हो या फाफड़ा, गाठिया हो या खाकरा, इसके अलावा भी बहुत कुछ फेमस है अहमदाबाद में। हाय गाइस, आई एम प्रियंका और आज मैं आपको दिखाऊंगी अहमदाबाद का बेस्ट इंडियन स्ट्रीट फूड। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। अहमदाबाद स्ट्रीट फूड की शुरुआत मैं करूंगी मुंबई के आइकॉनिक वड़ा पाव के साथ, बट यहाँ अहमदाबाद में उसको दिया गया है बहुत ही अनोखा ट्विस्ट। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये देखिए, वड़ा पाव बनना स्टार्ट हो गया है और सबसे पहले डाली जा रही है इनकी स्पेशल गार्लिक की चटनीज बटर में। और ये देख रहे हैं अब क्या मस्त तरीके से इस पाव को क्रिस्पी किया जा रहा है। वाओ। और अब बारी आई है वड़े की, विद लोड्स एंड लोड्स ऑफ चीज। सो ये आ गया मेरा एचएल का वड़ा पाव और इसके साथ आपको दी जाती है ग्रीन चटनी एंड केचप। आई एम सो टेम्प्टेड टू ट्राई दिस। ओके, ओ माय गॉड, दिस इज सो चीजी एंड सो बटरी। भाई ये वड़ा पाव तो मुंबई के वड़ा पाव से एकदम अलग है, मज़ा आ गया इसको खा के। वैसे आपको कौन सा वड़ा पाव पसंद है, मुंबई का या अहमदाबाद का, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अंडे अंडे अंडे, रोज़ खाएं अंडे। तो मैं आ गई हूँ आर के एग ईटरी और यहाँ पे आपको मिल जाएंगी अंडों के अंदर 30 से भी ज़्यादा वेराइटी। तो हर रोज़ एग की न्यू डिश, वाओ दैट्स अमेजिंग। तो चले ट्राई करते हैं इनकी एग सूरती घोटाला। सो गाइस, सबसे पहले सूरती घोटाले की ग्रेवी तैयार की जा रही है विद अनियन, ग्रीन चिलीज, जिंजर, गार्लिक एंड टमेटोज। और अब इसमें डाला जा रहा है बॉयल्ड ग्रेटेड एग विद सम वाटर। अब इस सूरती घोटाले के लिए तैयार किया जा रहा है फ्राइड एग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब तैयार की जा रही है इस डिश की मसालेदार गार्निशिंग। सो ये आ गई मेरी एग सूरती घोटाला। सो ये देखिए गाइस, इसके साथ आपको दिया जाता है बटर्ड पाव, अनियन टमेटो सैलड एंड ये है इनकी स्पेशल चटनी जिसमें डला है कैप्सिकम एंड कोरिएंडर। तो चलिए अब ट्राई करते हैं। सबसे पहले लेते हैं ये बटर्ड पाव, इसके अंदर भी पूरा मसाला है। अब देखती हूँ कैसा है। वो ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। ये एक सूरती घोटाला बहुत ही स्पाइसी है, इसके अंदर मुझे बहुत सारे गरम मसाले और गार्लिक का पंच आ रहा है। एंड वाकई ये काफ़ी इनोवेटिव डिश है, थोड़ी और ट्राई करती हूँ। जरा इनकी चटनी भी खा के देखते हैं कैसी है। भाई बहुत ही अलग चटनी है ये, पहली बार मैं चटनी के अंदर कैप्सिकम टेस्ट कर रही हूँ। एंड वाकई ये जो फ्यूजन है ना, कमाल के है। ऐसी एग डिश खा के तो दिल खुश हो गया। क्यों, ये देख के कुछ याद आ रहा है? ये वेज पफ हम बचपन में कितना खाया करते थे, पर यहाँ अहमदाबाद के अंदर इसको दिया गया है बहुत ही अनोखा ट्विस्ट। चले मैं आपको दिखाती हूँ। सो अब मेरी पनीर पफ सैंडविच बनना स्टार्ट हो गई है और सबसे पहले इसमें डाला जा रहा है चीज, मेयोनीज एंड सम मस्टर्ड सॉस। और अब इसमें डाली जा रही हैं सम वेजीज लाइक अनियंस, टमेटोज, क्यूकम्बर एंड लास्ट अब इसमें ऐड किया जा रहा है लोड्स ऑफ कोरिएंडर एंड लोड्स ऑफ ग्रीन चिलीज। सो ये आ गई मेरी पालक पनीर पैटी एंड इट लुक्स सो डिफरेंट। तो चलिए अब ट्राई करते हैं। वो दिस इज रियली ह्यूज। ये पैटी तो काफ़ी क्रिस्पी और काफ़ी फ्लेकी है और इसके अंदर जो ये वेजीज इन्होंने डाली है ना, दैट इज एडिंग सो मच ऑफ फ्रेशनेस। एंड इसके अंदर जो ग्रीन चिलीज और मस्टर्ड सॉस का फ्लेवर आ रहा है ना, दैट इज आउटस्टैंडिंग। इटालियन वुड फायर पिज्जा तो मेरा अल्टीमेट फेवरेट है, बट यहाँ अहमदाबाद स्ट्रीट फूड में आपको मिलता है जस्सू बेन का देसी इटालियन पिज्जा। वाओ दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग। तो चलिए देखते हैं कि ये बनता कैसे है।
सो गाइस ये पिज्जा बेस बनना स्टार्ट हो गया है और अब इसमें डाली जा रही है इनकी होम मेड टमेटो सॉस, अनियन एंड कैप्सिकम। सो गैस ओवन से निकलने के बाद अब इस पिज्जा में डाली जा रही है लोड्स एंड लोड्स ऑफ ग्रेटेड चीज। ये आ गया मेरा जस्सू बेन का पिज्जा और इतनी सारी चीज पड़ी है कि अब मुझसे नहीं रुका जा रहा, तो चलिए ट्राई करते हैं। वो भाई वाकई एकदम देसी पिज्ज़ा है और ये बहुत बढ़िया है। इसका जो बेस है ना वो काफ़ी क्रिस्पी है और इसकी जो स्टार इंग्रेडिएंट है वो है इनकी पिज़्ज़ा सॉस जो कि है एकदम मसालेदार। भाई मज़ा आ गया है जस्ट वैन का पिज़्ज़ा खा के। सो अब मैं आ गई हूँ रॉयल पंजाब पराठा जो कि सीजी रोड पे लोकेटेड है और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे पंजाबी पराठे को दिया गया है अहमदाबादी ट्विस्ट। So here comes my royal Punjabi parathas. Just look at this. It's packed with cheese and butter. और इसके साथ आपको दिया जाता है अचार और दही. I am so tempted to try this. भाई ये पराठा तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। ये बहुत ही ज़्यादा बटरी है और इसके अंदर जो इन्होंने मसाला डाला है उसके अंदर मुझे कॉर्न भी दिख रहा है, प्लस इसके अंदर मुझे मेथी और लाल मिर्च के अचार का बहुत बढ़िया स्वाद आ रहा है, विच इज़ रियली गोइंग वेल विथ चीज़। भाई एक बात तो है, आप बटर और चीज़ किसी भी खाने में डाल दीजिए, स्वाद तो दुगना हो जाता है। इट्स डिजर्ट टाइम। सो गाइस मैं आ गई हूँ विपुल दूधिया के यहाँ जो कि स्टेडियम के पास लोकेटेड है और ये अपने मट्ठों की वैरायटी के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये मट्ठो होता क्या है। सो गाइस मट्ठो इज बेसिकली अ गुजराती डिजर्ट जो कि दही से बनाई जाती है और यहाँ पे आपको मिल जाएंगी उसमें बहुत सारी वेराइटी। सो ये देखिए गाइज, ये है इनका ड्राई फ्रूट मट्ठो, ये है फ्रेश फ्रूट मट्ठो और ये है फ्यूजन जिलेटो मट्ठो। वाओ, तो चलिए अब ट्राई करते हैं इनके कुछ लाजवाब मट्ठो। सो ये देखिए, ये आ गए मेरे मट्ठो और मैंने लिया है ये ट्रेडिशनल छप्पन भोग मट्ठो एंड दिस फ्यूजन ब्लू डायमंड मट्ठो। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो पहले ट्राई करूँगी यस ये छप्पन भोग मट्ठो। ओके वो दिस मट्ठो इज सो 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 गुड। ये बहुत ही क्रीमी है और बहुत ही थिक है और जो इसके अंदर इन्होंने ड्राई फ्रूट्स और केसर डाली है ना वो तो इसमें चार चांद लगा रहे हैं। तो चले अब ट्राई करूंगी मैं ये फ्यूजन ब्लू डायमंड मट्ठो, देखते हैं कैसा है ये। भाई ये ब्लू डायमंड मट्ठो तो बहुत ही अलग है, इसके अंदर मुझे बबल गम का फ्लेवर आ रहा है एंड दिस इज एग्जैक्टली लाइक जिलेटो आइसक्रीम। भाई ये बहुत ही बढ़िया गुजराती फ्यूजन है। मुझे तो बहुत मज़ा आया अहमदाबाद स्ट्रीट फूड कवर करके एंड देयर फ्यूजन फूड इज ऑफ अनदर लेवल और अभी भी बहुत कुछ आना बाकी है अहमदाबाद से। सो स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो और हाँ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक बटन तो प्रेस कीजिए ना एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन।